तो दोस्तों भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप यदि गर्मी में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। गर्मी के मौसम में आपका स्वास्थ्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, यानी कि आपको गर्मी में अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ा सकती है और ऐसे में ये चीज़ें आपके पेट के सिस्टम को ख़राब कर सकती है। कब्ज़, बदहजमी, पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो गर्मी में स्वस्थ कैसे रहें, आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि गर्मियों में आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि किन चीज़ों से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मियों में क्या खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का सेवन करें। जी हाँ, गर्मियों में फल बहुत सारे आते हैं, बहुत प्रकार के फल आते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फलों को और मौसमी सब्जियों को शामिल करें। वैसे आजकल सभी प्रकार के फल हर मौसम में उपलब्ध हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप मौसमी फलों का ही सेवन करें, यानी कि गर्मी में जो गर्मी में उगाए जाते हैं फल, उन्हीं का आप सेवन करें। तो मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करके आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये मौसमी फल और सब्जियाँ आपको चुस्त दुरुस्त तरोताज़ा बनाते हैं। खासकर तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मौसम्बी और लीची और पपीता, ये सब मौसमी फल हैं। लौकी, तोरई, भिंडी और टिंडे, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो इन सभी फलों को, इन सभी सब्जियों को जब आप सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में फाइबर की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को पर्याप्त बनाए रखते हैं और पानी की मात्रा को भी पर्याप्त बनाए रखते हैं। इससे आपका शरीर ठंडा रहता है और आप बेहतर रूप से कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा भी मिल जाती है। साथ ही साथ ये फल और ये सब्जियाँ डिहाइड्रेशन को भी रोकते हैं, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं। ये सभी ऐसे फल हैं, ऐसी सब्जियां हैं जिनसे शरीर में पानी की कभी कमी नहीं होती है, और इन सब्जियों का, इन फलों का सेवन करके आप गर्मियों में स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि इनसे आपको जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। गर्मियों में खाने से पहले सलाद जरूर से लें। जी हाँ, देखिए गर्मियों में आपको हल्का भोजन करना चाहिए, दबाकर भोजन नहीं करना चाहिए, और खासकर रोटी सब्जी ये आप कम मात्रा में खाएं, और खाने से पहले अपने वजन का 1% जितना सलाद जरूर से शामिल करें। मान लीजिए कि आपका वज़न 70 केजी है तो आप 700 ग्राम फल और सब्जियां ही खाएं, इसके बाद में आप दूसरा भोजन करें। तो जब आप पर्याप्त मात्रा में सलाद लेंगे तो आप दूसरा भोजन कम से कम करेंगे। सलाद में आप खीरा ककड़ी ले सकते हैं, सादी ककड़ी ले सकते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, चुकंदर और भी मौसमी सब्जियों का सलाद बनाकर आप खा सकते हैं। गर्मियों में विटामिन बी से भरपूर आहार अपने भोजन में जरूर शामिल करें, इससे शरीर काफ़ी चुस्त और दुरुस्त रहता है। गर्मी में मांसपेशियों में दर्द की समस्याएं काफ़ी लोगों में पाई जाती है, तो जब आप विटामिन बी से भरपूर आहार लेते हैं तो मांसपेशियों के दर्द और थकान से भी काफ़ी आराम मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का आपको सेवन करना चाहिए। जी हाँ, गर्मियों के प्रभाव से बचने के लिए, गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। जैसे कि आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, गन्ने के जूस का सेवन कर सकते हैं। ये गर्मियों में सभी चीज़ें बड़ी ही आसानी से उपलब्ध है। एक तो ये चीज़ें आपके शरीर में गर्मी को दूर करती है, पानी की मात्रा को बनाए रखने में काफ़ी मददगार होती है, और दूसरा इनसे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स भी मिल जाते हैं। लेकिन यदि आपकी जेब अलाउ नहीं करती है तो आप भरपूर मात्रा में मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए। जी हाँ, भरपूर मात्रा में मिट्टी के घड़े में रखे पानी का सेवन आपको करना चाहिए। यदि आप जूस या नारियल पानी, गन्ने का जूस, इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते हैं तो आप पानी पीजिए। लेकिन भूलकर भी फ्रिज का ठंडा पानी आपको नहीं पीना है, ये जहर के समान है। देखिए दोस्तों, गर्मी में आपको चाहिए कि आप गेहूं कम से कम खाएं। यदि अनाज खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ज्वार, जौ, चावल, ब्राउन राइस, रागी और बाजरा को अपने भोजन में शामिल करें। ये सारे अनाज मोटे अनाज हैं, शीतल अनाज हैं, ये शरीर को ठंडा रखने में, कूल रखने में काफ़ी मदद करते हैं। चलो अब बात करते हैं कि गर्मियों में आपको क्या नहीं खाना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में आपको तेज मसाले खाने से बचना चाहिए। जी हाँ, तेज मसालों से बनी चीज़ों को आप दूर ही रखिए। मसालों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे में मसालेदार भोजन आपके शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा कर सकते हैं और आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में मिर्च, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और जीरा, तेज पत्ता, लौंग, ऐसे मसालों से आपको दूर ही रहना चाहिए। गर्मियों में यदि संभव हो तो आप चाय कॉफ़ी भी छोड़ दीजिए। वैसे चाय या कॉफ़ी एक नशे के समान ही है और इसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है जो हमारे शरीर को डिहाइड्रेट कर देता है, डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, यानी कि ये हमारे शरीर के पानी को सोख लेता है, पानी की कमी कर देता है। तो यदि आप गर्मियों में स्वस्थ रहना पसंद करते हैं तो आपको चाहिए कि आप चाय और कॉफ़ी से दूरी बना लें। आगे हरी इच्छा, यदि आप मांसाहारी हैं तो गर्मी के मौसम में रेड मीट खाना बंद कर दीजिए, ये आपके सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। गर्मियों के मौसम में तेल से बनी चीज़ें, तेल में तली हुई चीज़ें, जंक फूड, आपको इन सबको दूर रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही आपको इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए आपको चाहिए कि आप तेल में तली हुई चीज़ें, जंक फूड, इनसे आप हमेशा दूर रहें। खासकर गर्मियों में इनका सेवन करने से बचिए, क्योंकि जंक फूड, तेल में तली हुई चीज़ें, ये आपको पेट की समस्याएं दे सकती है, कब्ज़ और उल्टी दस्त जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। यदि आपको ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है तो गर्मी में आप इन्हें अवॉइड कीजिए। यदि आप खाना ही चाहते हैं तो गर्मी में आप इन्हें रात में भिगोकर सुबह खाइए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है और इसीलिए गर्मियों के सेवन में इनका सीमित मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए। गर्मी के मौसम में जितना हो सके मिट्टी के घड़े का नॉर्मल पानी पीजिए। फ्रीज का पानी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता है, ये जहर के समान होता है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपको मुंह में जब पानी रहता है तो आपको अच्छा लग सकता है, मगर जब ये आपके पेट में जाता है तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से वजन बढ़ने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा गर्मियों में आप ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। गर्मियों के मौसम में आपको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में शरीर से लगातार पसीना निकलता है जिससे आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पानी पीते रहिए। गर्मियों में फूड पॉइजनिंग होने का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए आपको चाहिए कि आप फ्रेश भोजन करिए। फ्रीज में रखा हुआ बासी खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, इससे बचिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर आप गर्मियों में स्वस्थ बने रह सकते हैं। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे वीडियोस देखते रहें। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स, हर टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।